इन दिनों विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा है। एक कोने में सुलह की शुरुआत नहीं होती है कि विश्व के दूसरे कोने में कलह की चर्चा जोर पकड़ लेती है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। गाहे बगाहे दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें दुनिया में हलचल पैदा कर देती हैं। कुछ ऐसा ही हाल एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों अमेरिकी सेना ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के खिलाफ हवाई हमलों की लहर शुरू की, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। वहीं इन हमलों पर ईरान का कहना है कि इराक और सीरिया के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 0099 किए गए हमले एक रणनीतिक त्रुटि हैं, जो गाजा में इसराइल के सैन्य अभियान से मध्य पूर्व में तनाव और अस्थिरता को बढ़ाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका ईरान के बीच इस विवाद की शुरुआत क्यों हुई? दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस विवाद का वैश्विक भू राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही इस संघर्ष के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका ईरान विवाद की जड़ें बीते साल शुरू हुए इसराइल हमास युद्ध में मिलती हैं। इस युद्ध के साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में व्यापारिक समुद्री जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें अमेरिकी जहाज भी शामिल थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी। गौरतलब है कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ऐसे में अमेरिका ने अपनी ओर से रुख साफ करते हुए कहा कि ये हवाई हमले ईरान समर्थक मिलिशिया और उनके ईरानी समर्थकों कुछ फोर्सेज की क्षमताओं को कम करने के मकसद से किए गए थे। वहीं ईरान ने हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो मसलों को रणनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। वैश्विक मानचित्र में ईरान पर्शियन गल्फ, ओमान की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित ईरान मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। ईरान की 15 देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाएं हैं, जो 300 मिलियन से अधिक के आकर्षक संभावित बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करती हैं। वहीं इस देश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह रणनीतिक रूप से यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है, जो व्यवसायों को बड़े उपभोक्ता आधार और बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है। यह ईरान को उन व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है जो अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहते हैं और नए बाजारों तक पहुंच बनाना चाहते हैं। वहीं मौजूदा समय में ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में एक है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ईरान प्राकृतिक गैस भंडार के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर और प्रमाणित कच्चे तेल भंडार के मामले में 5वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसके रणनीति में दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में दखलअंदाजी करना शामिल रहा है। विदेशी मुद्दों के जानकारों के अनुसार दोनों देशों के बीच शुरू हुए मौजूदा विवाद का इतिहास पुराना है। अमेरिका ईरान संबंधों पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच कड़वाहट के बीच साल 1953 में पनपे, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, जिसमें नए नवेले प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने शाह रजा पहलवी के हाथों ईरान की कमान सौंप दी। जानकारों के अनुसार इस तख्ता पलट के पीछे की मुख्य वजह थी तेल। दरअसल धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरानी प्रधानमंत्री ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। इसके साथ ही वो ईरानी शाह की ताकत पर भी नकेल कसना चाहते थे। यह पहला मौका था जब अमेरिका ने शांति के दौर में किसी विदेशी नेता को सत्ता से बेदखल किया था। इस घटना के सफल होने के बाद तख्ता पलट कहीं न कहीं अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा बन गया। हालांकि इसके बाद साल 1957 में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखा गया। दोनों ने परमाणु ऊर्जा के नागरिक उपयोग के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा था। इसके बाद साल 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने राजधानी तेहरान का दौरा किया, लेकिन जब अमेरिकी सरकार और ईरान के शासकों के बीच संबंध फल फूल रहे थे तो ईरान में आंतरिक कलह ने क्रांति का रूप ले लिया और वर्ष 1979 में इस्लामी क्रांति की घटना घटी। इस क्रांति के नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने एक नए गणतंत्र का गठन कर पश्चिमी देशों को चुनौती दी। इन सब के बीच एक बार फिर ईरान अमेरिका संबंधों में तलखी नजर आई और अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी नागरिक विमान को मार गिराया, जिसमें जहाज पर सवार सभी 290 लोग मारे गए।
1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान को उन्नत हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाए। वहीं साल 2001 में अमेरिका के ऊपर हुए आतंकी हमलों के बाद अमेरिका का कड़ा रुख नजर आया। यहां गौर करने वाली बात है कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से वैश्विक रूप से तेल का 1/4 और प्राकृतिक गैस के 1/3 हिस्से का परिवहन किया जाता है। इसके अलावा भारत भी अपने 65% तेल का आयात इस नौवहन मार्ग से करता है। अगर सैन्य तनाव के कारण इस यातायात को बाधित किया गया तो तेल की वैश्विक कीमत पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक तो है ही, ऊर्जा सुरक्षा को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कच्चे तेल की कीमत में तेजी से भारत के बजट और चालू खाता घाटे पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि यह भारत के लिए विशाल तेल और गैस संसाधनों के साथ साथ भू राजनीतिक महत्व रखता है। ईरान भारत को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिसके माध्यम से भारत पाकिस्तान द्वारा अवरुद्ध अपनी यूरेशियाई महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। गौरतलब है कि विवाद दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। मौजूदा हालात विश्व को एक और युद्ध की खाई में गिरने की इजाजत नहीं देता है। वैश्विक शांति के साथ ही अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी वैश्विक गति धीमी पड़ जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और ईरान यह विवाद कैसे सुलझाते हैं। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका ईरान विवाद का वैश्विक भू राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, समीक्षा कीजिए। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।